मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के साथ साथ सीएम मनोहर लाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में इस बार 75 पार का लक्ष्य है, जो हमें हर हाल में पूरा करना है। हरियाणा में भी एक टारगेट रखा है, कितना? 75 प्लस। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहेंगे कि चुनाव के समय में यहीं लगातार आता रहूं, या हरियाणा में 75 प्लस का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए प्रदेश में जाना? तो इसका मतलब यह है कि आप लोग सहमत हैं कि चुनाव तक अगर मैं नहीं भी आया यहाँ, आप सब मिलकर के हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति मनोहर लाल बढ़ करके आगे काम करेगा, ऐसा विश्वास कर लूं मैं। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, वहां पर कार्यकर्ता अपने आप को मनोहर लाल समझकर चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाएं। जो समाचार मिल रहे हैं वातावरण अच्छा है, फिर भी चुनाव चुनाव होता है, और चुनाव में सब जगह जाकर के सबकी बात सुनना, सबके सामने अपना विषय रखना, और फिर जो परीक्षा आएगी अक्टूबर के मध्य में लगभग, उसमें अच्छे अंकों से पास होना हर विद्यार्थी चाहता है। राज्य में बीजेपी चुनावी मोड में है। बीजेपी नेता अभी से हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अब ये तो चुनाव बाद ही पता चल पाएगा कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को भारी सफलता मिलती है या नहीं। R9 TV के लिए करनाल से कमरजीत सिंह की रिपोर्ट।